नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि आप भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर में धन दौलत इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप भी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके लक्ष्मी और नारायण को पीले या लाल रंग के वस्त्रों पर स्थापित करना चाहिए व उनका नित्य पूजन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे गुप्त उपाय होते हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही उपाय के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। माना जाता है कि इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो अब हम बात करेंगे आज के इस विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में वर्णित है कि जो मुख्य दिन होते हैं जैसे कि दीपावली, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन दिनों पर तो माता लक्ष्मी आती ही है, लेकिन साथ ही प्रतिदिन संध्या काल में माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए पृथ्वी लोक पर अवश्य आती है। इसीलिए दोस्तों, आप चाहें तो इसे किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी विशेष दिन करते हैं तो और भी उत्तम होगा। आज की इस वीडियो में बताए जाने वाले उपाय को करने से माता लक्ष्मी आप पर बेहद प्रसन्न होती हैं और हमेशा आपके घर में वास करती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी को यह अत्यंत प्रिय होता है कि कोई भी भक्त उनका अन्य लोगों की भी मदद करे तो वे उन लोगों पर बहुत ज्यादा कृपा बरसाती हैं। इसीलिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में अंधेरा मिट सके, खुशहाली आ सके और आपके जीवन में माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दे। अगर किसी का भला होगा तो आपका भला भी स्वतः ही हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है माता लक्ष्मी को सबसे अधिक अगर कोई भी खुशबू पसंद आती है तो वह है गुलाब की। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर माता लक्ष्मी को लाल रंग के फूल, खास तौर पर गुलाब के फूल अर्पित करवाए जाते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में गुलाब के फूलों का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप कुछ भी ना कर सके तो आप अपने घर में या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी महालक्ष्मी मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी को एक गुलाब या फिर गुलाब के फूलों से बनी हुई माला अर्पित कर दें। आपके जीवन में स्वतः ही अंधेरा छटकर उजाला हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बेहद ही जबरदस्त जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि माता लक्ष्मी प्रतिदिन सायंकाल को यानी कि संध्या समय में भ्रमण के लिए आती है, ऐसे में अगर आप कोई विशेष उपाय करते हैं उसका फल आपको अवश्य मिलता है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, खास तौर पर धन से जुड़ी हुई कोई भी मनोकामना हो, वह स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस कुछ गुलाब की पंखुड़ियां ले लेनी है और संध्या काल के समय यानी सायंकाल के समय आपको अपने घर की चौखट पर उन गुलाब की पंखुड़ियों को डाल देना है। गुलाब की पंखुड़ियों को डालते समय ध्यान रखें कि आपको गुलाब की पंखुड़ियां कुछ इस तरह से डालनी है जैसे आप जल छिड़क रहे हो, यानी कि छिड़कने के अनुसार ही आपको गुलाब की पंखुड़ियां घर की चौखट पर अर्पित करनी है। यदि आपके पास गुलाब की पंखुड़ियां नहीं है या फिर आप नहीं ला सकते हैं तो आप घर की चौखट पर थोड़ा सा गुलाब जल छिड़क दें। और सबसे उत्तम है यदि आपके पास गुलाब खुशबू वाला इत्र है तो वह आप घर की चौखट पर डाल दीजिए। इसके अलावा इतना उपाय कर लेने के बाद आपको अपने घर की चौखट पर दाहिने ओर देसी घी से एक दिया प्रज्वलित करें व बाईं ओर एक सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रहे कि आपको ये सभी उपाय संध्या समय करनी है, यानी कि जब सूर्य अस्त हो रहा हो या फिर आसमान में सूर्य दिखाई ना दे लेकिन थोड़ा थोड़ा उजाला अवश्य हो, उस समय आपको ये क्रिया करनी है। अगर आपके पास समय का अभाव है या फिर समय नहीं है तो आप रात्रि को सोने से पहले भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस क्रिया को करते वक्त आपको माता लक्ष्मी के महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी देव्य नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी देव्य नमः। इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है। साथ ही ये क्रिया पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना आपको उसी जगह पर यानी कि घर की चौखट पर खड़े हुए ही आपको बोल देनी है। मन ही मन आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। शीघ्र अति शीघ्र माता लक्ष्मी की अनुकंपा से वे उनके आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।